इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप 8 जनवरी से नई पॉलिसी के साथ आ रहा है। वहीं आपको बता दूं कि 8 जनवरी से व्हाट्सएप के द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है जो कि नई पॉलिसी है, और उस पॉलिसी को, उस पॉपअप को अगर आप एग्री करते हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ तो आपका व्हाट्सएप चलेगा, नहीं तो व्हाट्सएप के द्वारा 11 फरवरी लास्ट डेट दिया गया है। उस मैसेज को आप एग्री नहीं करते हैं, उस टर्म्स एंड कंडीशन को आप एग्री नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सएप 11 फरवरी से बंद हो जाएगा। आइए सुनते हैं रांची वासी का क्या कहना है व्हाट्सएप के द्वारा लिए गए इस निर्णय के बारे में। सबको जो प्रॉब्लम आया हुआ है ये तो होना ही नहीं चाहिए था कभी भी, जैसे चला था एज यूजुअल चलता। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे व्हाट्सएप में बहुत सारा प्राइवेसी है, हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, हमारा और भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा नंबर वगैरह, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स है, इवन बहुत सारा चीज़ कुछ प्राइवेसी भी है, तो ये सारा चीज़ हम क्यों सबके साथ डिस्क्लोज करें? इसमें एक प्राइवेसी होना चाहिए। क्यों फेसबुक के साथ शेयर करें भाई? इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं, ये एकदम बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ये गलत चीज़ है। ये यदि व्हाट्सअप यदि इस टाइप से ला रहे हैं तो धीरे धीरे अभी उनके सब्स्टिट्यूट अभी दो और आ गए हैं ना, दो ऐप और आ गए हैं, तो वो ऐप को हम लोग यूज़ करेंगे, छोड़ देंगे व्हाट्सअप को, तब समझ में आएंगे इनको कि क्या होता है। कहने का मतलब यदि हम आज व्हाट्सअप और ये सब यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो इससे आपका कंपनी का ये ग्रोथ हो रहा है, आप हर चीज़ में उसके करें, और जब आपका कस्टमर ही आपसे हट जाएगा तो फिर आप क्या काम, कोई काम के नथिंग यू आर। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जैसा पहले था एज यूजुअल होना चाहिए, ना कि इसमें कहीं कोई चेंजिंग आना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये प्राइवेसी है और इस प्राइवेसी को हमेशा सिक्योरिटी रखना चाहिए, हम दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते। मुझे भी यही लगता है, जो ये जो होने जा रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक ही नंबर से व्हाट्सअप, फेसबुक सब एक ही नंबर से, सब आधार कार्ड भी इसके साथ लिंक है, तो बैंक डिटेल्स, प्राइवेसी बोल के भी सब चीज़ तो एक ही में सबके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने हो ही ठीक ही नहीं है, सब ओपन हो जाएगा, इसके बाद तो क्राइम भी तो बढ़ते जाएगा ना। इसके क्या आपके पास जो पॉपअप आया नोटिफिकेशन, आपने एग्री किया? नहीं नहीं, हम एग्री नहीं किए, नहीं करना चाहते। नहीं करने पे ये कहना है व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा, हम डिलीट हो जाएगा। दूसरा भी ऑप्शन तो अभी आ चुका है टेलीग्राम, उस सब में हम लोग ये कर लेंगे, और तो कोई उपाय तो नहीं देख रहे। अगर इन लोग चाहते हैं कि हम लोग इसके साथ जुड़े हुए रहे तो जो पहले था वैसे ही रहे तो यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, और अभी इस कोरोना काल में इस प्रकार का निर्णय, मुझे नहीं लगता है कि एक आम जनता होने के नाते ये सही निर्णय है। व्हाट्सएप के जो CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, उनसे मेरा निवेदन होगा इस फैसले को वो तुरंत रिबैक ले, और जिस प्रकार पूर्व में व्हाट्सएप चलता आया है बिना कस्टमर के पर्सनल डेटा को लिए बिना, उसी प्रकार दोबारा फिर से पूर्णतः चलने दिया जाए। अगर इस प्रकार का अगर मतलब डेटा, अगर आप पर्सनल डेटा लेते हैं तो ये प्राइवेसी के ऊपर कहीं ना कहीं हनन है, जो कि मुझे लगता है कि मैं भी अपना पर्सनल डेटा नहीं देना चाहूँगा। व्हाट्सएप के द्वारा प्राइवेसी पॉलिसी की बात अगर कही जाए तो कहीं ना कहीं पूरे भारतवासी ही इससे सहमत नहीं है। मैं राजधानी वासी से, रांची वासियों से बात करने की कोशिश की तो अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि सभी लोग अपना विकल्प देख चुके हैं। अगर व्हाट्सएप इस नीति को वापस नहीं लेता है तो सभी लोगों के पास विकल्प मौजूद है। अब देखने वाली बात ये होगी कि व्हाट्सएप का जो ये नया प्राइवेसी मामला आया है इस पर वापस लेता है या नहीं। सहयोगी जैन कुमार के साथ रंजना कुमारी, मिरर मीडिया, रांची।